में एक बार फिर से लगी आग। हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में बिल्डिंग में एक बार फिर से लगी आग। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बिल्डिंग में बैटरी फटने से हुआ धमाका। आपको बता दें कि बिल्डिंग में बैटरी फटने से एक बार फिर से धमाका हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही आग पर पाया गया था काबू। हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में सुबह आगजनी हुआ था, जहां पर अभी दोबारा प्रिंस मार्केट में लग गई है आग। बिल्डिंग में एक बार फिर से लगी आग। हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में बिल्डिंग में एक बार फिर से आग लग गई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बिल्डिंग में बैटरी फटने से हुआ धमाका। बता दें कि हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में अभी थोड़ी देर पहले ही आग पर पाया गया था काबू। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, अभी थोड़ी देर पहले आग पर काबू पाया गया था, फिर इस बार बैटरी फटने से एक बार फिर से प्रिंस मार्केट में आग लग गई है। आज की सुबह की बात है कि हजरतगंज थाना क्षेत्र में जो प्रिंस मार्केट है, उसकी एक बिल्डिंग में जो आग लग गई थी। ये बिल्डिंग में सुबह वाली आग लगी थी, वो सेकंड फ्लोर पर लगी थी। उसके बाद आग ने धीरे धीरे जो है अपना रुख जो है वो चौकी मंजिल तक कर दिया था। किसी भी तरीके से करके फायर ब्रिगेड की टीम से लेके दमकल के जो कर्मी है वो हमें उनसे लेके SDRF की जो टीम आई थी, पुलिस प्रशासन भी मौके पे मौजूद था। और ऐसा बताया जा रहा था कि आग पे जो है काबू पा लिया गया है, लेकिन इस आग पे काबू पाने के कुछ ही घंटे बाद जो है फिर एक खबर आती है कि जो इस बार जो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है वहाँ के बैटरी फटने से दोबारा आग लग गई। दोबारा जो है आग लगने की खबरें यहाँ पे देखी जा सकती है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि पीछे की जो बिल्डिंग है उसको दिखाए, ऊपर से लेकर नीचे से बिल्डिंग दिखाए। आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी वहाँ पे चढ़ाए हुए हैं। इस बार जो आगजनी की घटना हुई है वो बैटरी फटने से बिल्डिंग के पहले मंजिले पे जो फर्स्ट फ्लोर है वो वहाँ से ये खबर आ रही है। और ये सूचना मिलते ही जो है प्रशासन जो है मौके पे तुरंत जो है पहुंचा। और आप देख सकते हैं कि मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि फायर ब्रिगेड और दमकल कर्मियों की टीमों को दिखाया जाए, जो तत्परता से जो है इस आग पे दोबारा से काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए तो विवेक, अभी सुबह ही जिस तरीके से अग्निशमक वहां पर दमकल की विभाग वहां पर पहुंचकर आग पर काबू पाई है, इसके बाद फिर एक दूसरी घटना वहीं से सामने आती है कि बैटरी फटने से एक बार फिर से धमाका हो गया। जी नंदनी, जैसा कि सुबह की आग को आज को जो है किसी तरीके से मशक्कत करने के बाद आग को काबू कर लिया गया था। और ये जो सुबह वाली आग जो लगी थी वो इलेक्ट्रिक सर्किट से लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है थोड़ी शिकायत ये चूक तो हुई है आग काबू करने के लिए, जिसकी वजह से ये जो है दोबारा जो है इस तरह की घटना जो है ये घटित हुई है। खैर, सुबह वाली घटना के बाद से इस पूरे बिल्डिंग को सील कर दिया गया था, तो किसी भी आदमी के वहाँ पे फंसे होने की कोई उम्मीद नहीं है। और बाकी फर्स्ट मंजिल पे जो है कोचिंग सफाई चलती है, चौथे फ्लोर पे आरओ की कंपनी है, बाकी कपड़े की दुकानें लगती है। तो ये जो बैटरी फटने का मामला है वो फर्स्ट फ्लोर का बताया जा रहा है नंदिनी, लेकिन अभी किसी भी आदमी के घायल होने की ऐसी कोई खबर भी नहीं है नंदिनी। विवेक, देखा जाए तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि कपड़े की दुकान थी, वहाँ बच्चे कोचिंग पढ़ते थे, तो क्या किसी को हाथाहाथ को कोई सूचना तो नहीं ना आई है? नंदिनी देखिए, अगर सुबह की बात करें तो सुबह कम से कम 40 से 45 लोग जो है यहाँ फंसे हुए थे, जिसमें कुछ छात्र भी थे, स्टूडेंट थे और कुछ यहाँ के लोकल व्यापारी भी थे, लेकिन उनको सकुशल जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा वापस निकाल लिया गया था। क्योंकि ये जो दूसरी घटना है इससे कुछ देर बाद हुई है, तब तक इस बिल्डिंग को सील कर दिया जा चुका था, तो इस समय किसी की हताहत होने की कोई घटना नहीं है। लेकिन जो पहली बार में जो आग पे काबू करने की जो बात थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है, जिसकी वजह से ये बैटरी फटने से धमाका हुआ है नंदिनी। विवेक, प्रशासन की तरफ से अभी वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि अब ये पहली बार भी फिर दूसरी घटना हो गई है? जी नंदनी, जैसे कि मैं बता दूं कि फायर ब्रिगेड की टीम जो है अपना काम कर रही है, दमकल कर्मी जो है यहाँ पे उपस्थित है वो भी अपना काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी मौके पर उपस्थित है। यहाँ तक कि सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी यहाँ का लेक्चर किया, वो भी यहाँ लेक्चर करके जा चुके हैं। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए पूरी बिल्डिंग को, और पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ है और सब जो है आग पे काबू करने का जो है वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि इस आग से जो है अच्छी तरीके से काबू पाया जा सके। नंदिनी,
देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अविवेक प्रशासन के लिए और सबके लिए बड़ा सबक है। अभी कुछ ही दिन पहले हजरतगंज में ही लेवाना अग्निकांड हुआ था, इसके बाद ये हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में आग लगी। जी नहीं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेवाना अग्निकांड कितना बड़ा जो अग्निकांड था, उसके बाद कई ऐसे बिल्डिंगों से एनओपी जारी करने की बात की गई थी कि बिल्डिंगों पर निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद एनओपी जारी किया जाएगा, उसके बाद इनका संचालन किया जाएगा। लेकिन उतने बड़े अग्निकांड के बाद भी जो है अधिकारी जो है इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें ये दुर्घटनाएं होती जा रही है। लेवाना अग्निकांड की बात ही छोड़ दीजिए, आज ही एक ही जगह एक ही बिल्डिंग पे दिन में 2 बार इस तरह की आग जलने की घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही तो है नंदनी। देखा जाए विवेक, तो जिस तरीके से लेवाना अग्निकांड होटल हुआ था, उसके बाद हर जिले में राज्यों में होटलों को लेकर एक निर्धारित कर दिया गया था, आदेश दिया गया था कि अग्निशमन की चीजें वहां पर होनी चाहिए, जैसी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ये सब चीजों का व्यवस्था किया जाना चाहिए। अजीत नंदी, सिर्फ होटलों की नहीं बल्कि सारी जो है बड़ी बिल्डिंग ही हो, चाहे वो निजी बिल्डिंग हो या फिर सरकारी बिल्डिंग हो, लेवाना अग्निकांड के बाद सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया था और सबको सूचित किया गया था कि ऐसी दुर्घटना आज दोबारा न होने पाए। खैर, आज यहाँ पे किसी के हाथों शहीद होने की उम्मीद नहीं है, कोई भी घायल ऐसा नहीं पाया गया है, सभी को बचा लिया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी जो है व्यापारियों को काफी सारा नुकसान हुआ है, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं और पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, जो यहाँ के व्यापारी है उनके ये बिल्डिंग पूरी सील होने के बाद से वो अपना व्यापार भी नहीं कर पाएंगे, फिर कुछ दिनों तक इसी व्यापार से जो है उनके परिवार का पालन पोषण होता है और ये पूरी बिल्डिंग सील रहेगी। तो अभी अगर हम बात की जाए कि सूत्रों के मुताबिक किसी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो ये 3 से 4 महीने पहले सील होने वाली थी और ये जो मानक तय किए गए थे इस बिल्डिंग के सेफ्टी से लेकर, उस मानक में खड़ी नहीं उतर रही थी। लेकिन 3-4 महीने बाद जो है अचानक से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक से आग लगती है, तो जो 3 महीने पहले काम होना चाहिए था अगर वो हो गया होता, आज ये दिन जो है यहाँ लोगों को न देखना पड़ता, लोगों को नुकसान नहीं उठाना पड़ता। नंदनी विवेक, देखा जाए तो ये अग्निकांड हुआ है अभी, इसके बाद भी कहीं ना कहीं ये सबके लिए सबक है। क्या वहाँ के आसपास दुकानों में तो कोई हताहत तो नहीं ना हुई है? नहीं नहीं नंदनी, ये जो दूसरी बार जो आग लगी है, मैं आपको बता चुका हूँ कि पहली बार आग लगने के बाद 45 लोगों को सकुशल सुरक्षित निकाल दिया गया था, जिसमें कुछ स्टूडेंट भी थे और यहाँ पे कुछ जिनकी दुकानें हैं वो लोग भी थे, तो वो 45 लोग जो सकुशल निकल गए थे, उसके बाद बिल्डिंग सील कर दी गई थी। तो अभी इस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो वहाँ पे फंसा हुआ है और किसी की जो है घायल होने की या फिर किसी दुर्घटना की अभी जो है कोई पुष्टि नहीं हुई है। नंदनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। बिल्डिंग में एक बार फिर से लगी आग, बता दें कि हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में अभी सुबह ही दमकल की विभाग ने वहां पर आग पर काबू पाया था। बिल्डिंग में बैटरी फटने से फिर से हुआ धमाका, अभी थोड़ी देर पहले ही आग पर पाया गया था काबू। हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में बैटरी फटने से हुआ धमाका, प्रिंस मार्केट में लगी फिर से आग।